तो आज की वीडियो में हम कैमरा टेस्ट करने वाले हैं मोटो एच 40 नियो का, बिकॉज मुझे नहीं पता क्यों इस फोन की काफी ज्यादा मार्केटिंग हो रही है, काफी बज है, काफी लोग एक्साइटेड हैं इस फोन के बारे में। आप लोगों ने भी काफी कमेंट करके पूछा कि भाई इसका कैमरा टेस्टिंग किया जाए, तो इसलिए हमने फोन खरीद लिया है और इसका कैमरा टेस्टिंग इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बेसिकली मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक है फोटोग्राफी, एक है वीडियो के हिसाब से, और एंड में मैं आपको कंक्लूजन दूंगा कि जो मैंने खरीदा था 21,500 का, क्या ये वर्थ है एज अ फोन कैमरा, या आपको स्किप करना चाहिए। बात करते हैं स्टैंडर्ड कैमरा की, जो 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है, तो नंबर्स तो काफी ज्यादा है, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा है। आउटपुट की बात करते हैं, यहाँ आप सैंपल्स खुद भी देख सकते हो। पहली चीज जो मैंने रियलाइज करी कि जिस बजट में फोन आता है 20,000 से 25,000 की रेंज में, कलर्स थोड़े से ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है। अब ये कई लोगों को शायद अच्छा लगे, कई लोगों को ना लगे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्लाइटली ओवर सैचुरेटेड है, और स्पेशली अगर आप डे टाइम में जहाँ पे ग्रीन्स, रेड्स, ब्लूज काफी ज्यादा रहते हैं, हल्के से कलर्स को ये पंच कर देता है। बट काफी लोगों के लिए जो सिर्फ ये फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं कैजुअली, उनको शायद ये कलर स्कीम अच्छी लगे। बट दूसरी चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कॉन्ट्रास्ट मुझे बहुत इनकंसिस्टेंट लगा। कहीं फोटोज में कॉन्ट्रास्ट अच्छा आ रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा डायनामिक सिचुएशन होता है ना कि शेडोज भी हैं, हाईलाइट भी हैं, वहाँ ये कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं देता, फोटोज देखने में बहुत डल लगती हैं, शेडोज में नॉइस इजीली आता था डे टाइम में, तो वो एक कहीं ना कहीं दिक्कत मुझे लगी एज अ फोन कैमरा। उसके बाद अगर आपकी फोटोज में काफी ज्यादा हाईलाइट्स होंगी, जैसे स्काई है काफी ज्यादा या किसी एरिया में लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है, ये फोन वहाँ भी इनकंसिस्टेंट है, बहुत जगह हाईलाइट्स या ब्राइट पार्ट को ना ओवर एक्सपोज कर देता है, मतलब डिटेल आपको उस ब्राइट पार्ट में नहीं दिखेगी और उस वजह से जो फोटो है वो उतनी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप ऐसी फोटोज लेने वाले हो जहां हाइलाइट्स काफी ज्यादा होंगे आपके सीन में, तो अगेन मुझे इस फोन में एज ऑफ नाउ एक दिक्कत लग रही है प्रोसेसिंग में। बाकी अगर मैं कलर्स की बात करूं तो स्किन टोन्स तो अच्छी हैं, बट ऑल ओवर सीन्स में ना यहाँ भी कलर्स मुझे उतने कंसिस्टेंट नहीं लगे। कई जगह पे मुझे ऐसा लगा कि जो स्काई है या कहीं ऐसे एरिया जहाँ पे हल्की सी वार्म लाइट आ रही है, उसके थोड़ा सा मेजेंटा साइड पे लेके चले जाता है, जो अगेन मुझे लग रहा है कलर्स की जो कंसिस्टेंसी है वो उतनी एक्यूरेट नहीं है। कई बार ऐसा होगा आपको बहुत बढ़िया फोटो मिलेगी जिसमें कलर्स अच्छे हैं, सैचुरेशन अच्छे हैं, कॉन्ट्रास्ट भी बढ़िया है, बट कई बार उसका ऑपोजिट भी होगा, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन सी फोटो बढ़िया आएगी कौन सी नहीं आएगी। अदरवाइज डिटेल और शार्पनेस इसमें मुझे डिसेंट लगी। अगर आप अच्छी लाइट में फोटोज ले रहे हो तो आपको अच्छी डिटेल मिलेंगी, शार्पनेस अच्छी है, तो ये मैं बोलना चाहूंगा जो प्राइमरी कलर्स है वो डिटेल और शार्पनेस, ऑल ओवर जो टेक्सचर है वो काफी अच्छे से कैप्चर कर रहा है, बट बाकी जो मैंने इसके ड्रॉबैक्स बताए वो कहीं ना कहीं इसको उतना अच्छा कैमरा फोन नहीं बनाता। बाकी अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखोगे दूसरा कैमरा है, ये अल्ट्रा वाइड एंगल है 13 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पे मैं अगर अपना ऑनेस्ट व्यू शेयर करूँ तो अल्ट्रा वाइड एंगल मुझे बहुत एवरेज लगा, स्पेशली सेंटर का 20-30 एरिया परसेंट छोड़ के अगर आप बाहर की साइड जाओगे ना, एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत अजीब सा ब्लर इफेक्ट आ जाता है एजेस में, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसका मैं अभी कंपैरिजन एक फ़ोन के साथ प्लान कर रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना मोटो एच 40 नियो का आप कंपैरिजन किसके साथ देखना चाहोगे कैमरा का, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उतना शार्प नहीं है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। डायनामिक रेंज ठीक है, कलर्स ठीक है, बट जब दिक्कत आती है वो आती है डिटेल में, जिसकी वजह से अल्ट्रा वाइड के लिए मैं इसको रेकमेंड नहीं कर सकता। बट अल्ट्रा वाइड की सिर्फ एक चीज़ जो बढ़िया है वो है मैक्रो मोड। तो अगर आप मैक्रो फोटोज लेना चाहते हो, जो मुझे मोटो में बहुत सही चीज़ लगती है, आप यहाँ पे आपको स्क्रीन भी दिखा दूंगा, आपको ना 0.5, 1x, 2x के साथ साथ मैक्रो का भी आइकन मिलता है और आप मैक्रो फोटो बहुत ईजिली ले सकते हो। और अल्ट्रा वाइड एंगल जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वही अल्ट्रा वाइड फोटोज लेता है, और देखने में काफ़ी डिटेल अच्छी है, शार्पनेस अच्छी है, इवन कलर्स बहुत बढ़िया से आते हैं। तो अगर आप मैक्रो फोटो ज्यादा लेने वाले हो तो वहां पे इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एक्चुअली काफी बढ़िया काम करता है। अब अगर पोर्ट्रेट मोड की हम बात करें तो एक चीज मुझे अच्छी लगी इससे, जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ उसमें भी ये चीज आई, तो यहां पे जब आप पोर्ट्रेट मोड में जाते हो 24mm, 35mm और 50mm के तीन ऑप्शन मिलते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आप एक ही डिस्टेंस पे खड़े होकर तीन अलग अलग फोटोज ले सकते हो, मैं आपको सैंपल भी दिखा दूंगा। बट एक चीज मैं बता दूं, जो प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, उसी को
यूज़ करके बेसिकली फोटो को डिजिटली क्रॉप किया जा रहा है, जिस वजह से जब आप 50 mm पे फोटो लोगे तो उतनी शार्प और डिटेलिंग नहीं दिखेगी। बट अगर आप सोशल मीडिया के लिए ले रहे हो तो आपको ये जो ऑप्शन हैं कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको ज़्यादा क्लोजअप लेना है तो अगर हम नॉर्मल लाइक 24 mm पे पास जाके लेते हैं फेस अजीब सा दिखता है, तो वहाँ पे 50 mm आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है। बाकी बात रही आउटपुट की, तो एज डिटेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कंसिडरिंग जिस प्राइस पॉइंट पे आता है। और एक और चीज़ अच्छी है, स्किन टोन्स ना आपके बहुत नेचुरल साइड पे रखता है फोन, जो मेक श्योर करता है कि अगर आप पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज लेने वाले हो तो आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा। डिटेल भी अच्छी है, शार्पनेस भी अच्छी है। और अगर आप ये वाली फोटो देखोगे जो हमने सनसेट के टाइम ली है, पीछे से सनसेट हो रहा है, कलर्स बहुत अच्छे से कैप्चर किए इसने स्काई में, जो बैकलाइट सिचुएशन में मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी। बाकी फोटोज के लिए आपको प्रो मोड भी मिल जाता है, और प्रो मोड में एक चीज़ अच्छी है कि जब आप फोटोज ले रहे हो आपको रॉ जेपेग और रॉ प्लस जेपेग का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप ये फोन लेते हो रॉ प्लस जेपेग में फोटोज लेना, बिकॉज आपको दोनों वर्जन मिलेंगे और रॉ में आपको ज्यादा डायनामिक रेंज और एडिट करके ज्यादा अच्छी डिटेल्स मिल जाती हैं। उसके अलावा आप बेसिक सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हो, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, फोकस पॉइंट को भी आप चेंज कर सकते हो, एंड इवन एस्पेक्ट रेशियो चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। और एक और चीज बढ़िया है, आप मैक्रो मोड और अल्ट्रा वाइड में भी प्रो मोड के जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप सेल्फीज काफी ज्यादा लेते हो तो आगे की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा है। तो यहाँ पे हमने कुछ सैंपल्स लिए हैं, स्टैंडर्ड भी पोर्ट्रेट मोड दोनों में आप ले सकते हो। तो ये चीज़ अच्छा है कि जो आउटपुट है वो मुझे पर्सनली काफ़ी शार्प लगा, स्किन टोन काफ़ी नेचुरल साइड पे है। तो अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेते हो तो ये फ़ोन मुझे लग रहा है काफ़ी सही है, कंसिडरिंग जैसी डिटेल ये कैप्चर कर रहा है। इवन जो पोर्ट्रेट मोड में इसका एज डिटेक्शन है वो डिसेंट है, जिस प्राइस पे ये फ़ोन है उस हिसाब से एज डिटेक्शन भी है, बढ़िया कैप्चर कर रहा है, और डिटेलिंग और शार्पनेस जो फेस पे है वो भी अच्छे से आ रही है। फोटोज़ की अगर मैं बात करूँ लो लाइट परफॉर्मेंस में, तो मैंने लाइक हम यहाँ अगर आप देखोगे साइड बाय साइड नाइट मोड में भी है, स्टैंडर्ड में भी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नाइट मोड में और बेटर कलर्स निकल के आएंगे, डिटेल बेटर निकलेगी, बट वैसा नहीं था। तो फोटोज़ के मामले में लो लाइट परफॉर्मेंस मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, अल्ट्रा वाइड में तो बहुत ही बेकार क्वालिटी है लो लाइट की। तो अगेन अगर आप फोटोज़ में अल्ट्रा वाइड यूज़ करने वाले हो मैं सजेस्ट करूँगा मत करना, स्टैंडर्ड इज स्टिल अ गुड ऑप्शन टू गो बाय। और फोटोज़ लेते हुए आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, पहला है मैक्रो का, देन अल्ट्रा वाइड है 0.5x, उसके बाद 1x है, 2x में भी जाके आप बेसिकली डिजिटल क्रॉप करके फोटोज़ ले सकते हो, और 2x को अगर आप होल्ड करके रखोगे तो इस तरीके से अप टू 8x आप जाके फोटोज़ ले सकते हो। ऑल दो 8x वाली फोटोज़ यूज़फुल नहीं है, 2x की कुछ हमने फोटोज़ लिया, आप यहाँ देख सकते हो। अगेन मुझे इतना खास आउटपुट नहीं लगा 2x का जितना होना चाहिए था, बट स्टिल अगर आपको जूम करके कुछ फोटो लेनी है जो उस मोमेंट में आप पास जाके नहीं ले सकते तो आपको ऑप्शन मिल जाता है 2x से लेकर 8x की रेंज का। और अगर आप यहाँ साइड बाय साइड स्टैंडर्ड और अल्ट्रा वाइड की फोटोज़ का एक कंपैरिजन देखोगे ना, नॉर्मली फोन्स आजकल इतने सही हो गए हैं कि आपस में ना एकदम सिमिलर रहता है स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा वाइड का कलर टोन्स, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अल्ट्रा वाइड की अलग कलर स्कीम चल रही है, अलग कॉन्ट्रास्ट लेवल है, स्टैंडर्ड का अलग है, तो अल्ट्रा वाइड का यहाँ से पता लगता है कि जो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं है। बाकी अगर मैं शटर लैग की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेट्स सपोज हम फोटोज ले रहे हैं तो इट इज़ गुड इनफ, मतलब अगर आप 8 से 10 फोटोज लगातार ले रहे हो तो ये काफ़ी फास्ट ले लेगा, उसके बाद थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जो इस बजट के हिसाब से ये सही काम कर रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसका प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, तो आप यहाँ साइड बाय साइड रिजल्ट्स भी देख सकते हो। जूम करके अगर आप देखोगे तो 50 MP का जैसे हर फोन में बेनिफिट होता है, जूम करने पर डिटेल अच्छी होती है, शार्पनेस अच्छी होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जब आपको ऐसी सिचुएशन में फोटोज़ लेनी है जो आप बाद में क्रॉप करोगे या प्रिंट भी करवानी है, तो आप 50 MP मोड में फोटोज़ ले सकते हो। अदरवाइज़ मैं सजेस्ट करूँगा मोस्ट सिचुएशन में नॉर्मल मोड में ही फोटोज़ लेना, बिकॉज आपकी मेमोरी भी बचेगी और इतना कुछ खास फर्क है नहीं फोटोज़ में। बट जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे अभी तक लगी इस फ़ोन में वो है, 21,500 का मैंने फ़ोन लिया था और फ्रंट कैमरा में 4K का वीडियो है, तो मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ, देन लेट्स टॉक अबाउट इट। भी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मोटो एज 14 हो गया फ्रंट कैमरा से है, एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि 4K 30 FPS फ्रंट कैमरा में है। तो अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो आई थिंक दिस इज़ दी, इस बजट में 4K नहीं आता फ्रंट कैमरा में, लेट मी बी ऑनेस्ट, इवन इसके 10,000 ऊपर भी जाओगे तो भी अभी कई फोन्स 4K नहीं देते हैं। तो अगर आप व्लॉगिंग के लिए स्पेशली फोन देख रहे हो आई थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन। और बढ़िया चीज़ क्या, अभी मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन की हुई है और मैं चलते हुए वीडियो बना रहा हूँ, और जितना मुझे दिख रहा है फ्रंट कैमरा के हिसाब से स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया है। एक बार मैं स्टेबलाइजेशन ऑफ करके भी दिखा देता हूँ सो दैट आप कंपेयर कर सको। तो अभी मैंने स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दिया और काफ़ी वाइड हो गया कैमरा 4K में। तो अगर आप ट्राइपॉड पे रख के वीडियोस बनाते हो या ज़्यादा चलते हुए वीडियो नहीं बना रहे तो ये भी एक ऑप्शन है, जहाँ आप स्टेबलाइजेशन ऑफ करके 4K में थोड़ा
थोड़े से वाइड एंगल में वीडियो शूट कर सकते हो। और हाँ, फ्रंट कैमरा में भी अगर आप देखोगे ये ब्लर इफेक्ट आ रहा है, तो ये पोर्ट्रेट वीडियो आपको फ्रंट कैमरा में भी मिलता है। रेजोल्यूशन कम है, बट स्टिल अगर आप वीडियो में कहीं जगह थोड़ा सा ये डालना चाहते हो अपने व्लॉग्स में या कहीं पे, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है। तो मैंने सोचा आपको दिखा दिया जाए आउटपुट कैसा आ रहा है। और अगर आप इंडोर वीडियो शूट करते हो तो इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। अभी थोड़ा लो लाइट सिचुएशन है, पीछे विंडो थी तो देखने में तो डायनामिक रेंज अच्छा लग रहा है। तो अगर आप घर पे वीडियोस बनाने वाले हो, कैसा ऑडियो आ रहा है, कैसा वीडियो क्वालिटी है, आई थिंक इस सैंपल से आपको आइडिया लग जाएगा। अब अगर हम रियर कैमरा के वीडियो की बात करें तो पहले मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। 4K में 30 FPS तक का वीडियो शूट कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये है कि अल्ट्रा वाइड एंगल में भी 4K का ऑप्शन है। अगेन, इस बजट में बहुत ही ना के बराबर फोन हैं जो 4K में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का ऑप्शन देते हैं। बट अगर आपको स्लोमो वीडियो शूट करनी है तो आप 1080p में 60 FPS तक जाके ईजिली स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और भी कई एडवांस फीचर्स हैं वीडियो के, उनकी बात मैं आगे करूंगा, बट पहले 4K वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं। तो अब अगर हम वीडियो में स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आप अप टू 4K 30 FPS शूट कर सकते हो। जो अभी आप देख रहे हो आउटपुट, ये मोटो H40 नियो से ही वीडियो शूट हो रहा है 4K स्टैंडर्ड में। तो ये आउटपुट है, अभी मैं थोड़ा शेड में हूँ। अगर हम हल्की सी अब लाइट में आते हैं तो हाँ, अब मेरे ऊपर सनलाइट आ रही है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इसमें अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन है, एक बार अल्ट्रा वाइड पे स्विच करके मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो अभी हमने अल्ट्रा वाइड में स्विच कर लिया, बट एक चीज़ बहुत बढ़िया है इस फोन में, 20 से 25 हज़ार की रेंज में आपको 4K में अल्ट्रा वाइड एंगल मिल रहा है, वो भी स्टेबलाइजेशन के साथ। तो ये चीज़ बढ़िया है, क्योंकि 30 हज़ार के फ़ोन में भी 4K अल्ट्रा वाइड कई फ़ोन तो दे देनी है, देते हैं तो स्टेबलाइजेशन उतना बढ़िया नहीं होता। तो स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड दोनों में ही 4K में आप विद स्टेबलाइजेशन 4K वीडियो शूट कर सकते हो। मुझे ऐसा लगा कि Moto H40 Neo फोटोग्राफी के हिसाब से मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बट वीडियो के लिए वन ऑफ द बेस्ट फोन्स 20 से 25 हज़ार की रेंज में। क्यों? क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप यहाँ देखोगे एक्सपोजर काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है, कलर्स अच्छे हैं, डायनामिक रेंज भी बहुत बढ़िया है। बस ये होता है अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जाओगे तो एक्सपोजर थोड़ा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा, अदरवाइज 4K के हिसाब से आउटपुट काफ़ी बढ़िया है। उससे बेटर है इसका स्टेबलाइजेशन 4K में। तो अगर आप चलते हुए वीडियोज़ लेते हो या व्लॉगिंग करते हो, 4K रेजोल्यूशन में स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़िया है। अल्ट्रा वाइड में हल्के से मुझे जग देखने को मिले, बट स्टैंडर्ड 4K में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। 1080p में भी आप 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वीडियो के हिसाब से मैं बोलूँगा ये फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट है इस बजट में। बाकी अगर आपको पोर्ट्रेट वीडियो शूट करना है वो भी इसमें ऑप्शन मिलता है, बट सिर्फ 720p तक है। तो उसको आप, मुझे नहीं लगता वो आप यूट्यूब या कहीं सोशल मीडिया पर यूज़ कर पाओगे, बट पर्सनल यूज़ के लिए रखना है तो डिसेंट एवरेज आउटपुट है, इतना कुछ खास पोर्ट्रेट वीडियो आपको मिलने नहीं वाला। बाकी अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ वीडियो के टर्म्स में, तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड 4K में शूट करने वाले हो तो आपको डिसेंट आउटपुट मिल जाएगा। आई विश कि और बेटर हो सकता था इस प्राइस पॉइंट पे लो लाइट में, बट अल्ट्रा वाइड में तो लाइक आई वुड सजेस्ट अल्ट्रा वाइड में मत यूज़ करना लो लाइट में, बिकॉज बहुत ही पुअर आउटपुट है। स्टैंडर्ड 4K में आपको अच्छा आउटपुट, डिसेंट आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ मोर में जाओगे, एक फोटो बूथ करके एक यहाँ पे फीचर है, अब इसका बेनिफिट क्या है, आप अप टू 4 फोटोज 4 सेल्फीज ले सकते हो और उसका एक कोलाज बना सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ मुझे रिकॉर्ड का बटन दबाना है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो मुझे 4 अलग अलग सेल्फीज का एक ही कोलाज मिल गया है, तो इसको मैं इजीली सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक ये ड्यूल कैप्चर मोड में मिलता है वीडियो में, जैसे आप देख सकते हो कि एक कैमरे से मैं खुद को दिखा रहा हूँ, दूसरे कैमरा से आप पीछे देख सकते हो क्या हो रहा है। और इस आइकन पे क्लिक करके मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, जहाँ पे मान लेते हैं मुझे व्लॉगिंग करनी है, मैं किसी लोकेशन पे हूँ, अभी मैं आपको स्टूडियो दिखा रहा हूँ, एंड ये गोल्डन प्ले बटन है, सिल्वर प्ले बटन। तो इस तरीके से आप ड्यूल कैप्चर का यूज़ करके, अभी ये अल्ट्रा वाइड पे है, यहाँ से मैं इसको 1x पे भी स्विच कर सकता हूँ, 1 पे क्लिक करके इस तरीके से 1x कैमरा पे चले जाएगा। तो ये चीज़ बढ़िया, स्टैंडर्ड अल्ट्रा वाइड दोनों कैमराज आप इजीली यहाँ पे स्विच कर सकते हो। इवन यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, इस तरीके से हाफ हाफ स्क्रीन का भी आपको लेआउट मिल जाता है, एंड अगर आप इस ट्रेडिशनल लेआउट पे जाना चाहते हो ये भी आप चूज कर सकते हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस विद मोटो एच 40 नियो का कैमरा। तो फोटोज और वीडियोज देखने के बाद मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप 20 से 25 हज़ार की रेंज में एक फ़ोन देख रहे हो कैमरा के लिए, तो ये फ़ोन आप तब लेना अगर आप वीडियोस काफ़ी ज़्यादा शूट करते हो, व्लॉगिंग ज़्यादा करते हो, ट्रैवल करते हुए आपको ज़्यादा वीडियोस कैप्चर करनी है, या फोटोज़ में पोर्ट्रेट्स लेना है, उस हिसाब से बढ़िया है। अदरवाइज स्टैंडर्ड एवरेज है, अल्ट्रा वाइड एंगल मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फोटोज़ के लिए मैं ये फ़ोन सजेस्ट नहीं करूँगा। बट अगर आप कैजुअल यूज़र हो, जो आप फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों लेना चाहते हो सिर्फ अपने यूज़ के लिए, देन इट्स अ गुड फ़ोन। तो ये था मेरा कैमरा टेस्टिंग, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका कैमरा कंपेरिजन किस फोन के साथ किया जाए वो भी आप कमेंट्स में बता देना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।